डॉक्टर त्रिपाठी, यस व्हाट इज दिस? आई नीड टू स्पीक टू यू डॉक्टर त्रिपाठी। जस्ट टेल मी योर नेम। अरुण। परेशान मत होइए, बोलिए। मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया लेकिन मैं नहीं माना और मैंने धोखे खाए। मैंने जवानी में धोखे खाए। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैं धोखे खाता गया। हम लोग बैठ के बर्बाद करते हैं, ठीक है? बट डॉक्टर, क्या ये एक इंसान के लिए ठीक है? आई नो यू आर साइकेट्रिस्ट एंड दिस इज नॉट द वे कि मैं आपको फोन करके अपनी परेशानी बताऊं, लेकिन डॉक्टर थोड़ी सी बात ये कि मैं जब होश संभाला तो मैंने धोखे खाए। मुझे उम्मीद थी कि शायद आगे चल के जवानी में ठीक होगा, मैंने धोखे खाए। उसके बाद शादी में भी मैंने धोखे खाए। देखिए ये होता है, आप चिंता मत कीजिए, बताइए मत। इतना नहीं होता डॉक्टर, मैं बचपन से लेके अब तक बता रहा हूँ। जवानी के बाद मुझे लगा कि शायद उसके बावजूद मैंने धोखे खाए। धोखे पे धोखे, धोखे धोखे धोखे, हर मोड़ पे मैंने धोखे खाए। मुझे बताओ आप क्या धोखे खाए? मैंने धोखे जैसे एप्पल मैंने धोखे खाया, ग्रेप्स। मेरे माँ बाप ने हमेशा बोला ग्रेप्स धोखे खाओ, मैंने हमेशा धोखे खाए ग्रेप्स। क्या बचा है? बनाना धोखे खाया है। अमरूद, गुआवा धोखे खाया मैंने। हेलो डॉक्टर, आर यू स्टिल इन द कंडीशन ऑफ स्पीकिंग विथ मी? और डॉक्टर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। हम भी रोज धोखे खाते हैं। कैसे? आपके शो में रोज धोखे खाते हैं। हेलो, गुड आई स्पीक टू साक्षी? बोल रही हूँ, बोलिए। साक्षी, मैं ईशांत का बॉस बोल रहा हूँ। ईशांत बताते हैं आपके बारे में हमें, ना बताते रहते हैं कि आपसे बात हो रही है और आज तो बात ही हो गई आपसे। I'm so happy. How was the Diwali gift, बेटा, इस बार का? सर बहुत अच्छा था। फिट आ गई थी? सर क्या फिट आ गई थी? रिंग फिट आ गई थी बेटे? सर रिंग, सर समझी नहीं मैं। इस बार हमने दिवाली पे सारे एम्प्लॉइज को रिंग दी थी ना अपनी वाइफ के लिए, तो मैं क्योंकि वी आर फैमिली। रिंग कब मिली है ये गिफ्ट में? चार दिन पहले हमने सारी कंपनी के एम्प्लॉइज, तो मतलब सबको मिली है रिंग? और सबको ही मिली है। इनको दी थी रिंग? इनको ही दी थी मैंने, ईशांत को दी थी मैंने। ईशांत ने आपको बताया था? मतलब हाँ, मेजरमेंट दिया, प्रॉपर दिया है, प्रॉपर दिया। खैर कोई नहीं, हैप्पी दिवाली। हेल्प कर दीजिए सर, मैं ना आपके सामने, क्यों दिवाली में आप टेंशन ले रहे हो? मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ ये बात, की ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये बातें छुपती थोड़ी ना अब किसी से भी। कॉल करो उसको। जी सर एक मिनट कर लो। हेलो, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ थोड़ी देर में, क्या हुआ? हाँ बाहर से दे आए ना मेरी बहन को जाके गिफ्ट सारा। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को, पागल हो गई हो क्या? नहीं मेरा दिमाग पागल नहीं हुआ है, तुम क्या, तुम्हें क्या गिफ्ट मिला ऑफिस से बताना जरा। गिफ्ट मिला था वो मिठाई का डब्बा, दे तो दिया, बवाल क्या हो रहा है? और डायमंड रिंग का कहाँ है? डायमंड रिंग कहाँ है? दीदी को दिया है, उन्हीं के घर भरते रहो तुम बैठ के। किसने दिया डायमंड रिंग, किसने कहा है तुमसे ये सब? तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे हर किसी को ऑफिस में डायमंड रिंग मिली है उनकी पत्नियों के लिए। किसका फोन आया था? बॉस का। उसने फोन किया तुम्हें? उसके घर में तो कोई गिफ्ट आता नहीं दिवाली में, वो क्या हमें देगा कोई गिफ्ट? इशांत तुम भी इससे बात करो। क्यों? अरे वो झूठ बोल रहा है, उसने बस वो दिया था, वो क्या कहते हैं, वो बीकानेर का डब्बा मिठाई का। हेलो हेलो, इसलिए कह रही थी मैं बुक तो सुन तो रही नहीं थी भैया, समझ तो आते नहीं कोई क्या कह रहा है सामने। ईशांत, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वाकई में इनको इनके बॉस ने सिर्फ बीकानेर का डिब्बा दिया था, रिंग विंग कुछ नहीं थी। हेलो सुरेंद्र जी, मैं बॉलीवुड वैकेंसी टर्मिनेशन ऑफ द इंडिया ऑफ द डिपार्टमेंट कंज्यूमर से बोल रहा हूँ। सर कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया था? हाँ सर। बॉलीवुड हाँ के लिए यू नो हम चेक करते हैं कि बॉलीवुड की कितनी नॉलेज है लोगों को और बॉलीवुड के बारे में। सर बहुत बढ़िया नॉलेज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रिस्क लिया, आप बॉलीवुड क्यों जाना चाहते हैं, मतलब क्यों सडनली बॉलीवुड, भोजपुरी से एकदम बॉलीवुड? सर ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, इन लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगा, एक्चुअली माइंड मत करिएगा यादव जी। करिए ना सर, करिए। आपका पहला सवाल, ये गाना सुनिए ध्यान से, सनी लियोनी का गाना है, इसमें आपने देखा होगा कि सनी लियोनी ऊपर से गिर रही हैं। जी जी सर, है ना, और नीचे बहुत सारे हाथ दिखाए हुए हैं, जो हाथ हैं जिन लोगों के, जी कौन कौन लोग हैं वो? सर ऊपर वाला हाथ हुआ है ना, वो सिलेंडर है, एक हाथ है ये रमेश का है, बांद्रा में रहता है वो। आपका दूसरा सवाल सर, ये गाना सर नया सिनेमा का है अभी, हीरोपंती।
आपको ये बताना है कि टाइगर श्रॉफ ने ये डांस जो इतना अच्छा डांस किया है कौन से दिन किया था? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार? संडे के एक दिन बीच गैप करके, हाँ सर मंगलवार के दिन हुआ था। मेरा तीसरा सवाल सुनिए, ये थोड़ा पुराना है, तीसरा सुनिए। एक कोई मिल गया का गाना है जादू, जादू को ऋतिक रोशन एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ सर। जब हाँ जादू सर। नहीं था उससे पहले ये बोरी में क्या रखते थे? बोरी में हम बताएं? बताइए बताइए। गधे की रखते थे। बहन कब से बना रहा है हमको? हाँ सर, बहन आके मार देंगे तुम लोग का, सत्ता देंगे एक यहाँ वसूल करके हम। हेलो आशु जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आशु जी, मैं कौन से बोल रहा हूँ? जैसे कि मैंने आपकी हिस्ट्री चेक करी, आपने कंप्लेन भी करी थी आपके बिल से रिलेटेड, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? एक बात बताओ आप, मैं तो इतना कॉल करता नहीं हूँ, इतने लंबे चौड़े बिल कैसे आ रहे भाई? मैं आपका बिल चेक कर लेता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल सकता हूँ? डालो होल्ड पे, करो चेक। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। आपकी कॉल हमारे लिए जरूरी है, अभी इसका आंसर दिया जाएगा, कृपया होल्ड करें। सर जैसे कि मैंने आपका बिल चेक किया है अभी, जिसमें आपने SMS इस महीने ज्यादा किए हैं। बहुत ज्यादा किया है SMS जी सर, सारी दुनिया को मैंने SMS कर दिया। और ये कॉल किस लिए लगाई है थोड़ा बताइयो। सर मैं कॉल्स के बारे में चेक कर लेता हूँ, क्या आपकी कॉल को होल्ड पे डाल सकता हूँ? होल्ड पे डालो और चेक कर। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपकी कॉल का जवाब जल्दी दिया जाएगा। सर जैसे मैंने चेक किया आपका डेटा, ये बता रहा है आपने STD भी काफी करी है और एक दो ISD भी करी है। ये STD में पहले भी करता था और पहले मेरा बिल 1,500 रुपए से ज्यादा नहीं आता था। हो सकता है सर आपने मुंबई जब आप गए हो आपने वहाँ से ज्यादा कॉल करी होंगी। कितनी कॉल की है मैंने? सर मैं चेक करके बता सकता हूँ, क्या आपको होल्ड पे डाल सकता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो? डाल और चेक कर। 16 जो प्यार का भड़काए भैया। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका जवाब जल्दी दिया जाएगा। ताकत। एक बात बताएं आशु जी, आपका गुस्सा जायज है लेकिन दुनिया में इससे बेहतर आपने कभी होल्ड का म्यूजिक सुना है आपको? नहीं, नहीं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ आशु जी, और बड़ा मजा आया मुझे, मेरी बात मानिए तो आप अपनी मोबाइल कंपनी फोन करिए, उनसे पूछिए बिल कैसे बढ़ा है। आदमी का मरना और जीना ये तो बिल्कुल तय है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका कुछ कर भी नहीं सकते हम। लेकिन अगर कोई ना मरा हो उसको मार दो मजे के लिए तो जरा मजा आता है, मुर्गा बना लो। हेलो जी, संतोष बोल रहा हूँ। बनना मैं आपको बजाना नहीं, मैं आपको बता दूँ जगदीश जी, मैं संतोष बोल रहा हूँ। जगदीश जी आपसे क्या छुपा रहा? जगदीश जी मेरे चाचा की डेथ हो गई। क्योंकि चाचा मर गए, जगदीश जी 50,00,000 रुपए छोड़ के गए। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता जगदीश जी, चाचा मर गए, चाचा 50,00,000 रुपए छोड़ गए। बहुत सारी चीजें तो रखी रह जाती है भाई। जगदीश जी मैं सब्र कर लेता, चाचा के बाद मेरे ताया 2 दिन बाद मर गए, 75,00,000 रुपए छोड़ के गए। जाना तो भाई उन्हें, वो तो चले गए, आप छोड़ गए, तो आप रो क्यों रहे हो? जी इसलिए रो रहा हूँ, पिछले हफ्ते मेरी मौसी भी मर गई, 25,00,000 रुपए छोड़ के गए वो भी। जगदीश जी ये हुआ ही था, हमारे ऊपर तो पार टूट गया। पहले हफ्ते चाचा मरे 50,00,000 छोड़ के गए, दूसरे हफ्ते ताया मरे 75,00,000 छोड़ गए, उससे पिछले हफ्ते मेरी ताई मर गई, 25,00,000 रुपए छोड़ के गई है मेरे लिए।
तो इसलिए रहा हूँ कि पिछले दो हफ्तों से कोई नहीं मरा। मैं सोच रहा था हमारे एक ये है दूर के मामा लगते हैं, उनके पास भी मैंने सुना 85 लाख रुपए हैं। मैंने इंतजार किया दो हफ्ते, आप मर दे, नहीं मरे। दो हफ्ते से नहीं मरा कोई, ना ही पैसे आए, यूं रो रहा हूँ। बात तो सुन भाई, और तू अब बताओ इस हफ्ते मरेगा कौन? मरेगा मैं क्यों मरूंगा? जगदीश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था, कोई नहीं मरा, सबकी उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन इंतजार कर रहा हूँ सर मैं कई दिन से कि कोई तो मरे, कोई तो पैसे दे। सर मैंने सुना आपके पास भी काफी पैसे हैं, आप ही मर जाइए पैसे छोड़ के। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को मरवाता हूँ, मुर्गा बनाता हूँ। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। तबीयत खराब हुई है कभी आपकी? तबीयत बुखार, निमोनिया, चिकन पॉक्स? किसी को हुआ था हाल फिलहाल में चिकन पॉक्स, और उसने मुझे बता दिया कि नवेद चिकन पॉक्स हो गया। अब मैंने कहा किस डॉक्टर को मैंने दिखाया था? उसने कहा उस डॉक्टर को दिखाया था, अब उसी डॉक्टर को फोन मिला रहे हैं। चिकन पॉक्स कैसे हो सकता है यार? हेलो, आई स्पीक टू डॉक्टर शालिनी प्लीज। मैं मतलब आपसे एक मेरे टर्म्स है कह नहीं रहा हूँ, मतलब आपने मेरे को, मैं आपके क्लिनिक में आया था, आपने मेरे को बताया कि चिकन पॉक्स हो गया मेरे को। यस, चिकन पॉक्स। मैं बोल कौन रहा हूँ? शुक्र करो बोल रहा हूँ, मैं केस नहीं कर रहा। आपके पास आया था मैं, देवेंद्र नाम है, मैंने अपने आप को दिखाया, आपने रिपोर्ट में लिख दिया चिकन पॉक्स हो गया। मतलब आई यू मेकिंग फूल? आप मतलब गधा बना रहे हो इंसान का, या इंसान बना रहा गधा मेरा? बात बहुत शुक्र करो, बात कर रहा हूँ मैं चिकन पॉक्स मेरे को, आपने ये कहा चिकन पॉक्स मेरे को हो गया, कैसे हो गया भाई? तमीज से ही बात कर रहा हूँ, आपने बदतमीजी करी है, आपने ही शुरुआत करी है। मेरे को चिकन पॉक्स हो गया, आगे वहां से झोला छाप डॉक्टर उठा के चिकन पॉक्स है आपको बता दिया, मुंह फाड़ के यार। अब आप चुप बैठे हो है? सिम्टम्स मेरे चिकन पॉक्स के, हाउ डेयर यू? चिकन पॉक्स मेरे को हो रहा है, कैसे हो जाएगा मेरे को चिकन पॉक्स यार? अगर आपके सिम्टम्स में आया होगा तो मैंने लिखा होगा। यार लिख दिया आपने, ऐसे लिख दिया उड़ा के, चिकन पॉक्स हो गया। देवेंद्र आपको घर जाओ, हम तो बैठे ना पागल, चिकन पॉक्स हो कैसे सकता है मेरे को? पास कर रही है यार, फिर सिम्टम्स में होगा सर, आपको समझ नहीं आ रहा? आपको समझ में नहीं आ रहा चिकन पॉक्स मुझे कैसे हो सकता है? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, मैं खाता ही नहीं हूँ चिकन। भाई चलो, आलू पॉक्स हो गया हो, भिंडी पॉक्स हो गया हो, पालक पॉक्स हो गया हो, समझ में भी आता है। मतलब आप मतलब बंदे को चिकन पॉक्स, जो वेजिटेरियन है उसको चिकन पॉक्स, कमाल है यार। अब आपको समझ में आ गया? मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और चिकन में करवा दू लोगों को, मुर्गा बना दू, चिकन पॉक्स नहीं हो सकता मेरे को, मुर्गा बनाया मैं डॉक्टर आपका। And I'm so sorry, doctor. I'm so sorry. मैं आपसे थोड़ा सा बदतमीजी से बात कर रहा था, उसके लिए मुझे इंजेक्शन मत लगाइएगा, but I'm sorry. चिकन पॉक्स नहीं हुआ। हेलो गोल्डन केमिस्ट, बोलो। मैं दिवेशु बोल रहा हूँ सर। वो मैं आपसे ना ये दो पैकेट कॉन्डम ले गया था, वो वापस करने हैं मेरे को। वापस करने? हाँ जी। क्यों ही? नहीं, क्योंकि मैं अब थोड़ा संस्कारी हो गया हूँ, इसलिए मैं वापस करना चाह रहा हूँ। अरे यार बात सुन मेरी, अब एक बार जो माल बेचे वो तो वापस होगा नहीं। देख यार ऐसे कह रहे हो आप, नहीं ऐसे कह रहे हो, मैं घर ही तो ले गया था कॉन्डम, कौन सा यूज करके सुखा के फिर दे रहा हूँ मैं आपको। यार मेरे मैं चाचा जी भी आए, मैं वो कह रहे हैं ये संस्कार का हमें पहले खरीद लिए थे। वापस नहीं होगा, रख लो उसे, वापस नहीं होगा। चाचा जी मना कर रहे हैं। हेलो, हाँ। ये जो हमारा बच्चा कह रहा है कि कॉन्डम वापस करनी है, पहले हमको पता ही नहीं था संस्कार में। अरे भाई साहब, तो फिर भाई साहब पहले लिए ही क्यों था? अरे तो पहले संस्कार का पता नहीं था ना यार। यार जब चाचा जी भी कह रहे हैं आपसे वापस कर लो ना आप दो पैकेट, पहले नहीं बताया था ना? अब उन्होंने बताया कि एड्स रोकने के लिए संस्कार काफी है, मैं कॉन्डम ले आया उठा के, तो आप वापस कर लो ना, ये तो हमारे यहाँ बेकार जा रहे हैं। फिर मेरे तो पैसे खर्च हो गए सारे, घर में हम जितने भी घर वाले ना सारे आपसे ही लेते हैं, आप फूफा जी भी बैठे हैं।
हाँ बेटे, मेरे को पहले पता नहीं था, तो मैं मतलब 6 ले आया था, 3 तो यूज हो गए। अब सडनली संस्कार का पता चल गया, आप ये 3 हमारे किसी काम के नहीं है, आप वापस कर लो इसको। अरे ओ ओ, पहले मेरी बात मैं सुन रहा हूँ। ओ संस्कारी, हाँ, बात सुन। हाँ तेरे में संस्कार है ना? ना मेरे में है, मेरे पता ही नहीं था, मैंने खर्च कर दिए पैसे। कौन लगाएगा तो तू ही ना। वापस कर लो, वापस कर लो। हेलो, गुड इवनिंग। या मुझे नाम चेंज करने के लिए एक कार्ड देना था। ऑलराइट सर, आई विल हेल्प यू, जस्ट होल्ड ऑन। हाय, गुड इवनिंग। मैं वो ट्रांसफर करी कॉल अभी हूँ नाम चेंज करने के लिए। किसका नाम चेंज कराना है? मेरा। आपका? सर, नया नाम क्या है आपका? नया नाम विकास भल्ला। कैन यू प्लीज स्पेल इट फॉर मी? VIKVIKA AS AS भल्ला। ओके। BHA LLA के इट्स विकास भल्ला। यस। एज 42। व्हाट्स योर ओल्ड नेम सर? दाऊद इब्राहिम। ओके, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम। Yeah, can I spell it for you? Yes, sir. D A W O D Ibrahim. I B R A. हाँ सर, याद है, बिल्कुल, दाऊद इब्राहिम। कब तक चेंज हो जाएगा? हो रहा है, चल रहा है प्रोसेस में। होल्ड ऑन। और दाऊद भाई, सर सब सब ठीक? ये जल्दी चेंज करना है नाम, क्योंकि काफी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। हाँ ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सब मतलब घर पे सब बढ़िया? कितना टाइम लगेगा इसमें? बस सर, हो रहा है। होल्ड ऑन सर। कितना टाइम इसमें? और दाऊद भाई बस हो रहा है। होल्ड ऑन। और मतलब ये आईपीएल बड़ा सही चल रहा है। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है। जी हाँ, शब्बीर कराची। इससे पहले मुझसे पूछ के किए थे सारे काम, मार दे। कितना टाइम? कंपनी ने क्या सिस्टम लगा दिया है, हैंग ही होता रहता है। कितना टाइम लगेगा अभी? एक सेकंड भाई, आप बोल करना साला सिस्टम बिना। अनिल यार, ये सिस्टम को ठीक कर दे। हेलो दाऊद भाई, ये आपका ही नंबर है ना? ये मेरे नंबर है। अभी 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 मैं आपको कॉल करता हूँ मैं आपको। हेलो, इज दैट विपुल? हाँ जी विपुल, हाय, आई एम जॉन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्लब। जी बोलिए। व्हाट आई गॉट टू नो, आपको थोड़ा, आप रात में क्लब में आए थे एंड यू आर नॉट हैप्पी। आपने रिमार्क बुक में भी आपने पूरा मतलब ऐसे का तैसी कर रखा है हमारा। मतलब आपने ये लिख रखा है कि सर्विसेज आर यू नो वर्स्ट। ये ठीक नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन बोल रहा है तू? आई एम जॉनसन, आई एम द मैनेजर। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है तुम्हें पता है? आप मेरे को बताएंगे हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? एक काम कर, अपने क्लब में ताला लगा ले तू। आप इतना भड़क क्यों रहे हो? पहले अपने वेटर को समझा कि बात कैसे करते हैं कस्टमर से। पैसे दिए हैं तुम्हें? पैसे दिए? वहाँ पे आया हूँ, दारू पी रहा हूँ बैठ के। मैंने उसको एक बार बोला आइस ला के दे, दोबारा बोल रहा हूँ आइस ला के दे, मुंह बना रहा खड़ा होकर। मेरी बात सुनिए, आपने दो बार उससे आइस मांगी। मेरी बात सुनिए, आपको हॉस्पिटैलिटी का पता नहीं है क्या? मेरे को कस्टमर तुम्हारे पास आया है, तुमसे आइस मांग रहा है और तुम मुंह बना रहे हो। हमारे मुंबई में नहीं होता है, तुम्हारे दिल्ली में होता है। देखिए, यू आर वेलकम एनी टाइम। आप दिल्ली में आए हो और मैंने वेटर से बात करी है, वेटर ने कहा है कि मैंने सर को 4 बार आइस दी है। अरे तो मैं कस्टमर हूँ ना, मैं 5 बार मांगूंगा तो 5 बार देनी पड़ेगी। समझ रहे, 5 बार कैसे आइस देता वो आपको? जब मैं मांगूंगा तेरे को जब ही देनी पड़ेगी। नहीं दे सकता था ना वो? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि 5वीं बार जब आपने मांगी, डेड बॉडी को ले जा चुके थे वहां से। आप समझते क्यों नहीं हो? वो डेड बॉडी को उठा के लेगा, बर्फ भी लेगा साथ में। वो तो मेरे से पहले से, जब पहली बार आपने मांगी है तो मेरे पास डर डर के आया, सर कैसे हाथ डाल के निकालूं। मैंने कहा निकाल ले, जो है वो निकाल ले, देख किसी को पता ना चले। गए थे डेड बॉडी को जब तक वो पुलिस वाले, बर्फ भी ले गए थे सारी। आपको तो पड़ी थी बर्फ लेके आओ, बर्फ लेके आओ। अरे वो सारी देता तो वो तो सड़ जाती ना, उसको भी तो हमें प्रिजर्व करके रखना होता है कि नहीं? कि आपकी देखते रहे दारू, आपको ही डालते रहे बर्फ। कौन बोल रहे हैं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? जॉनसन। नहीं अबे तेरी माँ है। हेलो हेलो मिश्रा जी। हाँ बोल रहे हैं। मिश्रा जी, मेरे को ये पता लगा आपने कहीं डेंटल क्लिनिक में दांत निकलवाए सर। हाँ निकलवाए। देखिए हमारे क्लिनिक में क्या ऐसी मतलब कीड़े लगे हुए हैं जो आप वहाँ जाके निकलवा रहे हैं दांत? मिश्रा जी मेरे को तो बड़ा अफसोस हुआ है,
मैंने तो उसी दिन सोच लिया था मिश्रा जी को बात करूंगा, उनसे पूछूंगा भाई किस तरह आपने दांत निकाले, हमारा क्लिनिक है, हमारा प्रोसीजर अलग है, आपने वहां से क्यों निकलवा लिया मिश्रा जी? मतलब पहले बार निकलवाए तो वहीं से निकलवाएंगे। अरे यार तो हमारा नंबर किससे? मिश्रा जी नंबर हमको आपका उन्हीं ने दिया है, वो कह रहे हैं यार हमने पता नहीं कैसे निकाल दिया, इनको तो तुम्हारे यहाँ निकलवाना चाहिए था। मिश्रा जी देखिए दांत आप कहीं भी निकलवाओ, पैसे वो भी लेंगे हम भी लेंगे, बात होती है प्रोसीजर की, प्रोसीजर होता है अलग अलग निकालने का, हमारा प्रोसीजर बड़ा यूनिक है, बड़ा अलग है, अमेरिका से मंगवाया, आप फिर अपनी बात कर रहे हो यार। हम वही निकलवाएंगे जहां यार, पहले निकलवाया था, आप कैसा निकाले कैसा नहीं यार, हम कैसा आप समझ ही नहीं रहे मिश्रा जी, हमारा प्रोसीजर अलग है, आप पैसे को मत देखो, आप मार्केट मत देखो, आप ये देखो प्रोसीजर क्या इस्तेमाल कर रहा है आदमी यार। हमारा नंबर किसने दिया? नंबर मैं कह रहा हूँ ना वहीं से मिला है, आप प्रोसीजर को देख नहीं रहे। क्या जरा आपका प्रोसीजर क्या है बताएं? मैं आपको बताता हूँ भाई, वहाँ आपका दांत कैसे निकाला, आपको स्ट्रेचर पे लिटा दिया, मुंह खुलवाया आपका, डाल दिया ऐसे निकाल दिया, ये कोई प्रोसीजर है? मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे आओ, आप कुर्सी पे बैठ जाओ हमारे यहाँ, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, कुर्सी पे आप बैठ गए मेरे सामने, ठीक है? जब मेरे सामने बैठ गए मेरे को दो गाली दे देना आप। हाँ? गाली देना? हाँ कोई सी भी दो गाली दे देना, कोई भी जो आपके दिमाग में हो आप, क्योंकि आप गाली दोगे मेरा दिमाग घूम जाएगा, भिन्नौट हो जाएगा, आपके घुसंड मारूंगा, आपके मुंह पे आपके तीन दांत बाहर है, सिंपल प्रोसीजर। मेरी बात सुनो, वहाँ जाके नहीं निकलवाना, यहाँ से निकलवाना था। मिश्रा जी मेरी बात सुनिए, मेरे दांत ना निकल जाए। मिश्रा जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहा था मैं, मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा, जहां दांत निकलवाना है वहां निकलवाइए, लेकिन खुश रहिए सर। अरे सर थैंक यू, होता रहता है, थैंक यू बाय। हेलो, क्या मैं गिरीश आहूजा जी से बात कर रहा हूँ? हाँ जी बोलो। गिरीश आहूजा जी नमस्कार सर, मैं से बोल रहा हूँ, और अब बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है रिजल्ट में, तो हमारा एक शो होता है, पैनल में काफी लोग हैं यहाँ पर, और मुझे किसी ने बताया था कि आप भी रिजल्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी इस पैनल में इस डिस्कशन में लूं, ये एकदम लाइव होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ सारी बातें रिजल्ट के आसपास ही रहेंगी। बिल्कुल, ठीक है, गोइंग लाइव राइट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुष्पक रंगरसिया, और अब ज्यादा समय नहीं बचा है रिजल्ट आने में, स्वागत करूंगा हमारे स्टूडियो में। सर अब अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दीजिए। नमस्कार, मैं विज्ञान निराश बोल रहा हूं, और नेता अपील कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। रिजल्ट को लेके आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त? मैं दोबारा वही कहूंगा, जब नेता अपील कर सकते हैं तो आम इंसान क्यों नहीं, और रिजल्ट के बारे में मैं यही कहूंगा कि मेहनत जिन्होंने की है उनकी मेहनत रंग लाएगी। ज्योति जी ये बताइए, क्या आपको लगता है कि कोई निराश होगा इस रिजल्ट से? देखिए मुझे ये लगता है कि जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी है उनको बड़ी जाहिर सी बात है कि रिजल्ट से निराशा मिलेगी। फोन लाइन पे हमारे साथ गिरीश आहूजा जी हैं। गिरीश आहूजा जी मुझे ये बताइए, इस बार रिजल्ट में 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके इंग्लिश में मार्क्स कैसे रहेंगे, आपका क्या मानना है इसमें? उसी रिजल्ट की बात कर रहे हैं, क्या इस बार 12वीं कक्षा के छात्रों का रिजल्ट अच्छा आएगा? लगता है गिरीश आहूजा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। संपर्क नहीं टूटा है जी। क्या आपको लगता है कि 12वीं कक्षा का रिजल्ट इस बार अच्छा आएगा? मेहनत करी है बच्चों ने तो सफल होगी ही वो तो। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस बार रिजल्ट उम्मीद के खिलाफ आ रहा है, तो लेकिन अब केजरीवाल जी ने जो काफी मेहनत करी थी तो हिंदी के पेपर में, देखिए जहाँ तक मेरा मानना है तो मोदी जी की हिंदी तो बहुत अच्छी है। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, और गिरीश जी आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने इस पैनल के हिस्से बने। आप खत्म हो गया? हाँ जी खत्म हो गया सर न्यूज। अबे तुम बावले हो गए, हो गए हो क्या, असली न्यूज तुम कवर नहीं कर रहे, सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा यार। किशन, हाँ जी किशन, मैं स्टूडियो 99 से बोल रहा हूँ। किशन जी आपको याद है आपने एक SMS कॉन्टेस्ट खेला था, एंड किशन आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, किशन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ये कॉन्टेस्ट आधा जीत गए हैं। किशन लेट मी टेल यू किशन, मैं आपको बता दूं थोड़ा इसमें सीन क्या है। आपने जो SMS कॉन्टेस्ट खेला था इसमें 15 अगस्त क्योंकि दूर नहीं है, इस कॉन्टेस्ट में जो जीत रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाल किला पे सबसे VIP सीट पे आगे बैठ के देख रहा है। ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं थोड़ी देर बाद खेल लूं? थोड़ी देर बाद किशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी और को कॉल कर लूंगा तो कोई और जीत जाएगा। किशन 5 मिनट दे दीजिए, क्या करना है
सर दूध मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है सर, लोग मरते सर मैं समझ पा रहा हूँ सर मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट दे दूँ सर, कल रात दूध फट गया था सर, इसलिए आज बहुत अर्जेंट हो गया दूध लाना। अगर ये कॉन्टेस्ट आप पूरी तरह जीत लेते हैं तो यू नो वॉट, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कैश प्राइज मिले, यू नो वो दूध भी कल पड़ गया, आज बहुत अर्जेंट है मेरे को, मतलब ना चाय बनी भी नहीं है सुबह से सुबह सर, मैं आप मेरे को 5 मिनट दो। किशन व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यार, ये इतना बड़ा हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता आप समझ नहीं रहे हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं सर, मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता भाई, एक रिक्वेस्ट सुन ले यार, एक ही दूध लान दे भाई, गॉन में जल्दी आ जाना, दूध लान दे भाई, मौलाना भाई बात बात में भाई मैं 7:45 होगा, मैं दूध में आता, मैं बोल। हेलो शैंकी, शैंकी माल चाहिए, क्या क्या है, क्या चाहिए तुझे, कोकीन या फिर अगर मलाला क्रीम पड़ा तो, सुन कोकीन दे रहा हूँ और मार्केट में सबसे सस्ती दे दूंगा मैं तुझे, डीओ में पड़ता है तू, हाँ अगर तूने डीओ में बता दिया ना किसी को मैंने सबसे सस्ता, मैं सही बता रहा हूँ, हाँ गोली मार दूंगा मैं तुझे, कुछ भी करूँगा भैया, मैं पैर पकड़ रहा हूँ भैया, प्लीज आप बस माल भिजवा दो भैया, माल दे रहा हूँ और सस्ता माल है, खराब है क्या, मैंने खुद चेक किया खराब नहीं है, सुन थोड़ा सा पुराना है, माल में थोड़े से कीड़े हैं, अच्छा इतने उनको मैं छान के भी निकालूंगा निकल नहीं रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो, नुकसान कर गया तो यार, हाँ सही बात कर रहा है भाई, क्योंकि अगर कीड़े खा लेगा तो नुकसान कर जाएंगे यार, और अगर नीट क्लीन तू कोकेन खा लेगा या सूंघ लेगा तो तेरी सेहत बनेगी, तेरा खून साफ होगा और तेरे मुंह पे रौनक आएगी, अगर तेरे जिस्म में कीड़े सिर्फ डाल देता ना तो शैंकी इतना नुकसान नहीं करते जितनी ये कोकेन तेरे जिस्म में डाल दूं तो नुकसान करेगी। शंकर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और शंकर को शैंकी बनने के लिए मेरे भाई ये जरूरी नहीं है कि उसको कोकीन लेनी पड़े, ड्रग्स लेते हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम पे यार, तुम इतने बड़े गधे हो, इतने बड़े गंवार इंसान हो कि मॉडर्न बनने के लिए तुमने ये ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, और तुम्हें लगता है ये चीज बड़ी कूल है, बड़ी हैपनिंग है, किसने कह दिया यार कि मॉडर्न लोग ऐसे ही होते हैं कि वो ड्रग्स लें, तुम्हारे पिताजी जो हैं उन पे कर्जा था ये तुम्हें भी मालूम है, और कर्जा होने के बावजूद उन्होंने और उधार लिया और तुम्हें पैसे दिए कि तुम डीयू में जाके पढ़ो, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ सर लेकिन छूटे नहीं रहे, शंकर छोड़ेगी ये तुम्हारी चीज छूटेगी, और तुम दिल लगा के पढ़ाई करोगे, अब एक बार फिर से ये चीज छोड़ोगे तुम और फिर से जिंदगी जियेंगे हम दोनों मिलके, प्रॉमिस, हाँ सर प्रॉमिस, पक्का, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा और रोज कॉल करूंगा, नमस्कार जिया चौधरी जी, नमस्कार, राकेश बोल रहा हूँ, मैंने सुना है आप नेता हैं अपने इलाके के, काफी काम वाम किया है, मैंने सुना था आप टिकट विकेट लेना चाह रहे हैं कुछ है। अरे टिकट का क्या है, नहीं फिर भी कौन सी पार्टी से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि महादेव जी आए हुए हैं, आप शायद समझे नहीं, आपके चाचा जो हैं उन्होंने मेरे को बताया था कि आप टिकट चाह रहे हैं कांग्रेस से, और मुझे ये बताया था कि आपने कुछ काम वाम किया, अच्छा महादेव जी जो आए हुए हैं ये बड़े काम वाम देखते हैं, तो कौन सी पार्टी से आप चाह रहे हैं टिकट, इन्हीं के हाथ में सारे टिकट बांटने, अब ये है मैं तो कांग्रेस से जा रहा था, वो तो कोई देखिए टिकट का जहां तक वो है, टिकट हम उसी को देंगे जिसने इलाके में काम किया, मैं आपको सही बताऊं जिया चौधरी साहब, महादेव जी जो आए हुए हैं यही टिकट बांटेंगे, कौन महादेव, हेलो महादेव जी को नहीं जानते, महादेव जी के हाथ में सारे टिकट हैं, सारे टिकट हैं, मेरे से कह रहे थे बांट दूंगा, मैंने कहा वही उनको बांटना जो काम अच्छा करें, मैंने कहा उनको देना जिनको काम, जिया चौधरी का नाम इलाके में पता कर लीजिए, मतलब कितने काम करे हैं, चक्कर जाऊंगा कौन पहुंचा हुआ सबसे पहले, जिया चौधरी एसी पे आया कौन खड़ा रहा, उन लोगों के सामने सब लोग तो पीछे जरा भाग गए थे, जिया चौधरी खड़ा हुआ था अपने भाइयों के लिए, अपने इलाके के लिए हर वक्त खड़ा रहता है, लेकिन अगर कोई माने तब तो ना, नहीं मान तो आदमी लेगा, मान तो लेगा, लेकिन यह काम भी तो महादेव जी को बताने है ना, क्यों जिया चौधरी, कौन महादेव, महादेव जी आप समझे नहीं, महादेव जी यहाँ के सबसे बड़े वो है, वो उन्हीं के हाथ में टिकट होते हैं, जिया चौधरी, मैं दिखाऊंगा इलाका कैसे बदलते हैं, हमारे इलाके में रिक्शे चलने बंद हो गए, रिक्शे किसने चलवाए, जिया चौधरी जिंदाबाद, यार आप घुमाल हो अपने नारे खुद ही लगा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ उनसे मैं बात कराए तो बात कर लेना आप, ठीक है ना, अभी फोन पे बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे, ठीक है, आ गए आ गए आ गए, हेलो नमस्कार सर, जिया चौधरी मेरे को ये बताइए
आपने इलाके के लिए कुछ किया? बहुत कुछ किया है, आप इलाके के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। अच्छा, गारंटी दे रहा हूँ कि आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैंने वैसे आपका नाम सुना भी नहीं था। नाम नहीं सुना, कोई बात नहीं। इससे पहले किसी पार्टी से लड़े आप? मैं पहले आजाद हो रहा हूँ। आजाद लड़े आप, इंडिपेंडेंट। अच्छा, जिया चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद नहीं, मैं आवाज दे रहा था आपको। जिया चौधरी साहब, टिकट तो मैं कर दूंगा, दो खर्च करने को तैयार हो? टिकट आपका हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने टिकट यहीं पे, किधर गया टिकट? मेरे हाथ में है, मैं ये टिकट आपको दे रहा हूँ। टिकट के बारे में मैं आपको बता दूं? टिकट के बारे में लिख लो आप, ये थर्ड रो है, 6:30 का शो है, बैक रो, डीटी सिनेमा। ठीक है, टिकट की बात कर रहे हो? डीटी सिनेमा का मूवी टिकट है, मूवी टिकट, डीटी सिनेमा पिक्चर के टिकट है, पिक्चर के टिकट है, वही बांट रहे हैं। एक बात बोलनी थी आपको, बुरा ना माने तो बोलिए। मैं मतलब ये चाह रहा था, अगर 3 टिकट और मिल जाए तो। मेरी तो भाई साहब, मैं मजाक कर रहा था आपसे, शुरू मजाक कर रहा था, आप पूरी फैमिली लेके जाएंगे क्या? तो मैं बीवी और अपने दो बच्चों को ले जाऊंगा। महादेव जी, हाँ अब वो ठीक है, देखो ना आप भी तो कहाँ लेकर आ गए, मैं अकेला थोड़ी चला जाऊंगा। मेरे भाई जाओ जाओ जाओ, टिकट कर दो यार, इनके टिकट कर दो। थैंक यू सो मच इलेक्शन में जिया चौधरी, जिंदाबाद। हेलो, इज दैट शौर्य? बेटे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? भाई एक बात सुनो, बाहर जाने से हमें भी खुशी होती है कि बाहर आप कमाने गए हुए हैं। शौर्य, दिस इज डॉक्टर गुप्ता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। शौर्य, 1.5 साल हो गया जर्मनी में आपको, हाँ? अभी आपके पेरेंट्स आए थे, आपकी वाइफ भी थी उनके साथ नैना, तो ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा 1.5 साल हो गया है नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा उनको, मैं बात करूंगा कि इतने लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। काम वाम करना अच्छा है बेटे, लेकिन ये है कि पापा भी याद कर रहे हैं, ऐसे ही कह रहे थे, थोड़े आंसू भी निकल आए उनके, कहने लगे कि 1.5 साल हो गया है। यस यस डॉक्टर, मुझे भी याद आती है, बस वो ये 3 महीने और है, फिर मैं आ जाऊंगा। अच्छा, 3 महीने में आ जाएंगे आप जी? नैना भी कह रही थी, नैना भी बहुत याद करती है। अच्छा, तो ये पूरे कहने लगे आपके पेरेंट्स के, भाई हम तो नहीं दे रहे सरप्राइज अभी। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो दे रहा हूँ फोन करके। पर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। शौर्य मुबारक हो, बाप बनने वाले हो, अभी नैना को चेक किया मैंने। Congratulations. Thank you so much doctor, thank you so much. I know, kaisa feel kar rahe ho? Arey doctor, I'm very happy. Hey, sabko bata raha hai. Arey meri baat suno Shaurya. जी जी, देखो अब मैंने अभी बात करी है नैना से, आपकी वाइफ से, है ठीक है? मैंने उनको बोला है भाई ये वक्त ऐसा है, थोड़ा अपना ख्याल रखना, और वैसे भी आप अब थोड़ा सा उससे आके मिलो, 1.5 साल हो गया आपको आए हुए यहाँ पे, समझ गए ना आप? डॉक्टर मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, 1.5 साल हो गया है, मैं जरूर आ जाता हूँ। आ जाइए आप। हेलो शौर्य, नैना से बात कर रही है मेरी? नैना बेटे अभी मैंने मना किया है बात करने के लिए, कि अभी बात मत करना, ठीक है ना? अब आप बात कर रही हो उससे, तो इसका आप बड़ा ख्याल रखिए, ठीक है? अरे डॉक्टर आप पूछ जाइए जरा, मैं नैना से बात करता हूँ, दादू क्या रुकिए। हेलो, जरा आप नैना से बात कर रही, उसने फोन क्यों बंद कर रखा अपना? शौर्य मैंने इनसे ये कहा है, देखिए मैंने नैना से बोला इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है? बताओ कह रहे यार, बात करो मेरे से, कौन है तुम? नैना से बात करो तुम मेरी। इसमें ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अबे तू क्या बताएगा, तो हट यार, तो नैना से बात करा साला, 1.5 साल के बात कर रहे मेरी। बेटे अभी नहीं करा सकता, अभी वो लेटी हुई है, फोन बंद कर रखा है अभी। अरे नैना सुन रही है तू? अरे 1.5 साल हो गए मुझे जर्मनी में। अरे नैना, शौर्य कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बार जब मेरे को बताया था किसी ने फोन करके कि आप बाप बन रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। अरे तुम बात कर रहे हो से मेरी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शौर्य बेटे? अबे गुस्सा में 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, 1.5 साल हो गया, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो अभी फर्स्ट मंथ है। अबे यही तो पुत्र, मेरी बात करो उससे तू।
इसमें मैंने इनको बताया है कि आप खाने डेढ़ साल हो गया तो नैना से बात करा तेरी ऐसी की वैसी अबे नैना से बात करा नैना चिल्ला क्यों रहे आप अब डेढ़ साल हो गया यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि डेढ़ साल से आप जब नहीं आए तो आपको फिक्र हो आप यहाँ आके मिलो ना पेपर पापा भी इंतजार कर रहे हैं अब मैं आप मैं जाऊंगा मेरी बात से तू पहले शौर्य देखो गुस्सा मत करो आप जिम्मेदारियां पड़ेंगी ठीक है वही तो पूछो डेढ़ साल से किसकी जिम्मेदारियां पड़ रही है अब तुम मेरी बात करो नैना से आप चिल्ला क्यों रहे हैं मेरे को समझ में डेढ़ साल हो गया चिल्ला क्यों रहे हैं यही तो मैं कह रहा हूँ डेढ़ साल हो गए आपको मिले हुए आप आइए आप घर में खुशखबरी है तो सबको साथ खुशखबरी की बाहर में तो मेरी बात करा है नैना से नैना ए शौर्य 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 मैं बता रहा हूँ शौर्य मैं बता रहा हूँ आपकी वाइफ जो है नैना इसका ख्याल रख लो इससे मिलते रहो ये इतनी चालाक है कि इसी ने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है शौर्य मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से नवेद अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम डेढ़ साल के लिए तो नहीं छोड़ सकते तुम इसको भाई बुरा मन ना नैना से बात आराम से करना हेलो स्कूल ये मैडम गुड मॉर्निंग मैडम मैंने अभी आपके स्कूल की बस देखी थी तो उस पे लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ रैश ड्राइविंग फास्ट ड्राइविंग कॉल ऑन दिस नंबर तो मैंने आपका नंबर देखा मैंने फौरन आपको कॉल मिला दिया है इज ही ड्राइविंग रैश नो मैडम नो बंदा तो गाड़ी से सही चला रहा है एक सेकंड रुको सही जा रहा है कम से कम 35-40 पे जा रहा है मैं पीछे पीछे हूँ उसके आपकी बस के पीछे पीछे हूँ कार पे सर थैंक यू सो मच नहीं एक सेकंड फोन मत रखना मैं अगली रेड लाइट से देखूंगा इसको कुछ पता नहीं कब मैं तेज चला दी ठीक है आप होल्ड ही रखना ये देखो इंडिकेटर दे रहा है लेकिन मोड़ी है इसमें सही तेरे ठीक चला रहे तो मैं रख नहीं 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 बुराड़ी चौक के बाद इसका कुछ भरोसा नहीं आप यहीं रुकिए अभी रुकिए मैं पीछे पीछे हूँ इसके पीछे पीछे हूँ हम भी तो देखें सही चला रहा है बिल्कुल सही चला रहा है सर सही चला रहे तो ठीक है नहीं रुको कुछ भरोसा आदमी एक सेकंड रुकिए ये एक्सप्रेस वे पे आया है ना आप शायद दौड़ाएगा घोड़ी बना देगा इसके रुकिए मैं देख रहा हूँ सही चल रहा है अभी हाँ जी एक सेकंड रुकना जरा हवलदार आ गए मैं फोन नीचे रख रहा हूँ होल्ड करना ये कभी भी तेज चला सकता है एक सेकंड सर अगर वो सही चला रहे तो आप बार बार मुझे तो फोन नहीं चार बच्चे उतर गए ना हो सकता है अब हल्की होगी गाड़ी आप दौड़ा दे शायद आप होल्ड रखो अभी इसको देखना है हमें देखना है आपने अपना फर्ज पूरा किया भाई हमारा भी तो फर्ज है आपको बताते रहे इन्फॉर्म करते रहे सर जब ये तेज चलाएगा तब कॉल करिएगा ना देखिए मैडम देखिए अगर ये तेज चलाएगा फॉलो करने के लिए मैं भी मुझे भी तेज चलाने पड़ेगी और तेज चलाते में मोबाइल बात नहीं करता प्लीज आप होल्ड रखिए अभी धीरे चला रहा है ये समझ गए आप धीरे चला रहा है कौन पागल है भाई तू पागल नहीं नवेद कहते हैं मैं आपकी बस का नंबर देखा था मैंने तो मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आपका मुर्गा बना रहे थे मैडम ये तेज मैडम गुड मॉर्निंग आप सही से बच्चों को पढ़ाओ हैं पढ़ाई लिखाई की बड़ी जरूरत है मैं आपसे फिर बात करूँ अभी भी सही चला रहे गॉड ब्लेस यू बाय हेलो वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप चाय नहीं पी रहे आज आप चाय नहीं पी रहा मतलब क्या मतलब सर पिछले 7 दिन से मैं देख रहा हूँ इसी टाइम आप चाय पीते हैं आज चाय नहीं पी आपने एनी प्रॉब्लम सर भाई कौन रहा है सर मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ सर यू नो पिछले 7 दिन से हम आप हर चीज जानते हैं सर यू नो डेटा एंड ऑल तो सर व्हाट हैपेंड आज चाय क्यों नहीं पी रहे भाई डेटा तू मेरी जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रहा मैं खुद पी लूंगा थोड़ी देर में आप पी लेंगे ना वहाँ पे भी आप वरेड ना मैंने देखा सेम टाइम हो गया है तो ओके सर हैव अ नाइस डे हेलो मिस्टर जयदीप हाँ जी मिस्टर जयदीप लेट मी आस्क यू ये क्या भाभी का मूड खराब था रात में क्यों तू कौन बोल रहा है फेसबुक से बोल रहा हूँ सर यू नो डेटा भैया क्यों परेशान कर रहा है ठीक कोई बात थी हो गई थी तेरे को मतलब नहीं मैं मतलब ऐसे ही देख रहा था मतलब वी नो ना डेटा एंड ऑल हैव अ नाइस डे सर हैव अ नाइस डे मैं तो ऐसे ही कॉल कर लिया हैव अ नाइस डे हेलो मिस्टर जयदीप मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये जो नाक पे आपके दाना निकला है ना इसकी प्रॉब्लम नहीं है ये ठीक हो जाएगा इसकी एक ट्यूब आती है मार्केट में फेसबुक से बोल रहा हूँ फेसबुक पे नीचे आप सर्च करना आप ना हमने ट्यूब का भी एक वो डाल रखा है ठीक है मेरी बात सुनिए मैंने आपको सिर्फ फॉर्म किया अभी यू नो डेटा एंड ऑल ओके ओके बाय हेलो आज आपने पानी कम पिया क्या जयदीप क्यों आज टॉयलेट बहुत कम बार गए हैं आप हमने यहाँ से टोटल गैस सिर्फ 3 बार आप टॉयलेट गए अदरवाइज आप पिछले 15 दिन से आप कम 6-6 बार टॉयलेट जाते थे पानी कम पी रहे हैं शायद अरे तुम मुंह पे भी नजर रख रहे हो इस तरह की बात मत करिए वी आर बियॉन्ड ऑल यू नो डेटा एंड ऑल हेलो
मिस्टर जयदीप, इस बार आपने अनलीडेड पेट्रोल नहीं डलवाया गाड़ी में, एनी प्रॉब्लम? मतलब मैं कई दिन से देख रहा हूँ आप अनलीडेड डलाते हैं। फेसबुक से बोल रहा हूँ, फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी, फेसबुक। अब जब जब तेरे पास सारा डेटा है, ई डेटा एंड ऑल, तो मेरे को एक बात और बता दे पता करके। तुझे ये बता कि मेरा मूड कैसा लग रहा है? मूड आपका इस टाइम तो फेसबुक के डेटा के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा मेरे को सर। ठीक नहीं लग रहा ना? ना ना ना। हाँ तो मुझे उस डेटा से ये बता तू मेरे को कि मैं तेरी छोड़ूंगा। देखे ना, देखे देखे फेसबुक पे सब ज्यादा सुन मेरी बात, दिमाग खराब कर रखा है। फेसबुक से बोल रहा हूँ, डेटा एंड ऑल, डेटा एंड ऑल। मेरी बात सुन तू। सुने सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। भाई तू ना सुधरने का, तेरे से कोई डेटा नहीं छुपा भाई, तू ना सुधरने। हेलो ध्रुव जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन आप मेरे को वोट दे दो, अभी भी टाइम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ही हमारे प्रभु हैं, जनता के लिए हम सेवक हैं, जनता जो कहे हम पूरी रात करें, आप भगवान समान हैं। और मैं आपसे ये वचन लेता हूँ कि आपकी जितनी दुख हैं, जितनी परेशानी है, ये आप मेरी समझें, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं आपसे इस वक्त वोट की भीख मांग रहा हूं, मेरी नज़र में आपकी अहमियत ऐसे है जैसे भगवान की अहमियत। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, आपके आगे हम जैसे नेता की कोई औकात नहीं है, आपके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम निवेदन करते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, आप वोट हमको करना। बट सर मैं तो वोट दे के आ चुका हूँ। आपने दे दिया वोट? हाँ जी बिल्कुल, 2 बजे ही चला गया था पोलिंग बूथ।